सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे? होप सो आई सारे बढ़िया होंगे, नंग तुम बना देंगे तुम वीडियो। सो फाइनली आज हम लोग एक और रिएक्शन के साथ वापस, और अनदर नेपॉप रिएक्शन फाइनली। भाई मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था, वहाँ पे मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया गाना रिकमेंड हो रहा है, ठीक है? तो तुम लोग इस कमेंट सेक्शन में भी जाके सजेस्ट कर सकते हो मेरे को गाने, और कम्युनिटी पोस्ट में भी जाके कर सकते हो, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? नहीं तुम तक पोस्ट पहुँचेंगे ही नहीं। और फाइनली लॉरे नेपॉप को बांटो, ये वो लिस्ट में से नहीं है, ये बहुत टाइम से मेरे को रिकमेंडेशन आ रही थी, तो मैंने इसको ऐड करके रखा था और सुबह से सोचा था इस पर मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा, ठीक है? तो ये तो अपन कर रहे हैं, फिर उस लिस्ट में से भी अपन गाने उठाना चालू करेंगे। तो कीप कमेंटिंग, कीप लविंग। अभी अपन चालू करते क्रेडिट्स, लास्ट में चेक करेंगे एंड वी हैव द ट्रांसलेशन। भाई लॉरे इज अ लेजेंड यार, ठीक है? और उनके नए वाले गाने पर भी अपने को रिएक्ट करने का है, और पहले इस पर कूदते, लेट्स गेट इन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेपॉप को बांटो टाइटल का नाम है, और नेपॉप को बांटो मींस वे ऑफ नेपॉप और नेपॉप्स वे, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? सुनते सीढ़ी लेके आया। ये बच्चे लोग रैप करते कितना क्यूट लगता है यार, मतलब रॉक। याओ 18 वर्ष भन्दा मुनि कोले कान थुनेर बस, 18 वर्ष भन्दा माथि नेपाल को बाटोमा परेड खेल्न आइजा। तुम 18 साल से छोटे हो पर मेरे बोलने से तुम वैसे भी नहीं रुकना, तो सुन लो, ठीक है? अभी इसने बोला कि 18 साल से जो भी बच्चे नीचे यू नो मत देखो, और जो 18 साल के ऊपर है चलो अपन आज परेड करते। मेरा बॉस 18 वर्ष भन्दा माथि नेपाल को बाटोमा परेड खेल्न आइजा। प्रोडक्शन तुम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वो लेफ्ट राइट बोलता है उसके हिसाब से वीडियो के वो कदम चलते हुए जाता है, और क्या शूट किया है। और दूसरा उसने यहाँ पे बोला कि मैं जब अपनी चोंच खोलता हूँ शब्दों की आवाज निकलती है, एंड मेरे भाषण को गोली की तरह सुनो। अब गोली बेसिकली दैट बुलेट ऑल्सो, एंड अगर मैं इसमें से वर्ड प्ले निकालू मे भी गोली कोई बंदा भी हो सकता है, आई डोंट, मैं ज्यादा सोचूंगा। देखो मैं ना ब्रेकडाउन वाला बंदा होता हूँ ना, दिमाग चलता ना मेरा, वैसा तो मैं ज्यादा सोचता हूँ, पर सह लेना, ठीक है? एंड द अदर थिंग ही सेड कि नेपॉप में आयो लॉरे क्रांतिकारी, दैट इज अवर वेरी सिंपल लाइन, ठीक है? उसने खुद को क्रांतिकारी बताया, सब समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। बेसिकली ये बंदा है वो लॉरे से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, छोटा बच्चा, एंड उसके पोस्टर्स वोस्टर्स भी फाड़ते हैं उसका, एक दिखाया गया था। एंड अदर थिंग उसने वो बातें करी कि यू नो हर जो शनिवार या सोमवार, बेसिकली हर मंगलवार की सुबह आपको लड्डू का भोग लगाना होता है, क्योंकि इसकी जो किस्मत है बेसिकली आई थिंक सो खराब चल रही है, और जब जेब तो पहले ही मारी जा चुकी है, गाना गा के भी पैसे नहीं मिल रहे बेसिकली, तो हर तरफ गरीबी की चीज़ें चल रही है। और मैंने नौकरी ढूंढने की भी बेसिकली कोशिश की थी, पर मेरे को वो सब भी चीज़ें नहीं हासिल हुई, तो दैट्स द सीन। और बहुत सारे कुत्ते अपने पैर खींचने पे लगे हुए हैं बेसिकली, कि यू नो मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो यू नो मेरे को नीचे खींच लेते, तो दैट ऑल थिंग्स। इसने पहले तो बोला कि जीपी ने हाले हो रास्ते खोद, मतलब जो उन्हें मतलब यू नो एक वे आई थिंक सो बनाने का प्रोसेस दिख रहा, तो ही गेव अ शॉट आउट टू आई थिंक सो गिरीश खातियावाड़ा, एंड देन ही सेड कि भाई निप्सी डॉस तो चलो एक म्यूजिकल ग्रुप आई नो, एंड देन वाईबी ने उस पर यू नो कार चलाई, जो वाईबी यामाबुद्दा सर ने कार चलाई, एंड वो कार की सवारी में लॉरे बैठा हुआ था बेसिकली, दैट्स द सीन। तो
बेसिकली वो एक वे बता रहा है। और जब मैंने ना आज सर्च मारा था ना बेसिकली कि मैं ऐसे सर्च बता नेपा हॉप या नेपाली हिप हॉप ऐसे करके सर्च मारता हूँ, आई थिंक सो इसके डिस्क्रिप्शन में भी नेपाली हिप हॉप को ऐसे रखा हुआ था एक टेक्स्ट में, उसने उसमें बताया था कि जो भी लेजेंड्स थे जिनने अपना काम करके यहाँ से गए हुए हैं तो उनको यू नो दिस विल बी अ ट्रिब्यूट और क्रेडिट, तो उनके जो भी स्ट्रगल्स थे वो हमेशा यू नो बुक्स में रहेंगे हिस्ट्री के एंड दैट ऑल। तो इसमें वो शॉर्ट आउट दे रहा है बेसिकली बड़े बड़े लेजेंड्स को, दैट्स द सीन। Bile czalają, nie smarty gari, gari go pitro, laure so bari. Ci bile konią, nie parko bato, nie wsadać te konają, odkład tratato. Łaj bile czalają, nie smarty gari, gari go pitro, laure so bari. जनरेशन गैप छाडा मेरो जिब्रोमा सुन पानी छर्क बनाउँछ उत्तेजना गराउन यो सम्पर्क कलियुगको ब्रह्मचारी जति सबैलाई ब्रह्म पारी अप्सराको प्रस्तो तारी काखमा राखी मस्तो पारी शब्दको भिकारी चिल्लो गाडी डिवारीहरूको वावामा राजनीतिको गन्ध छिरो नेपालको हावामा अब आफ्नो सीमा न सबले भागलाई सिंहासन कुर्सीको खाँचो छैन मेरो छाकलाई जो जो मेरो टाउको माथि चहललाई दिन्छु मुन्टो देखा यार आज मूड में है भाई, बहुत ज़्यादा मूड में है भाई। एक तो उसने ना यू नो कलयुग की बातें की, आई थिंक सो जितना मेरे को एसेंस आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने बोला कि यू नो कलयुग में जो नहीं वो ढोंगी लोग होते हैं जो लोग सम अराउंड, मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझा, जैसे पिल्स देते हैं या तुम्हारे इंटरकोर्स की चीज़ों को बढ़ाने के लिए एवरीथिंग जो भी ऐसे चीज़ें बोलते हैं एंड लोगों के साथ ढोंग करते बेसिकली, तो ये सब आजकल बहुत चीज़ें हो रही है। एंड दूसरा उसने बोला कि यू नो नेपॉप के जो अंदर भी मेरे को बहुत सारी पॉलिटिक्स की स्मेल आती हुई दिख रही है और हर एक जो रैपर है उसकी एक सीमा बंद गई है क्योंकि उसको है ना बेसिकली पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है या पॉलिटिक्स का प्रेशर उसके ऊपर है, तो दैट्स वाई उसकी एक सीमा बन चुकी है और उसकी वजह से वो ट्रुथ नहीं लिख पा रहा है, दैट्स द सीन। और बेसिकली रैपर्स ऑल अबाउट ट्रुथ, तो वो चीज़ें वो कर ही नहीं पा रहा। बट मैं जो हूँ मेरे को इन सबसे डर नहीं लगता है, मेरी कोई सीमा नहीं है क्योंकि सब लोग लड़ रहे हैं वो कुर्सी के लिए, मेरे को वो कुर्सी नहीं चाहिए, दैट्स द थिंग। सो यू नो और इसने एक और चीज़ यहाँ पे कही थी कि नेपॉप के जो भी जख्म होते हैं तो उन सबको अपने को है ना पेन से सम अराउंड मलहम लगाना है, ऐसा दिया था समझे, तो जख्मों में मलहम लगाते ना तो यू नो कलम से अभी मलहम लगाना है अपने को, ऐसा सी गाडी डिवारीहरूको वावामा राजनीतिको गन्ध छिरो नेपालको हावामा अब आफ्नो सीमा न सबले भागलाई सिंहासन कुर्सीको खाँचो छैन मेरो छाकलाई जो जो मेरो टाउको माथि चहललाई दिन्छु मुन्टो देखा दिन्छु बिया पाउको नेपाली खाउको चलनमा मलम लगाउन त्यो कलम चलाउको पाउको खाए बेटी सुटोले खाँटिने चेटी फोने छोड्दे सुन्न टुप्पा बिगिर सेटी उनको सपना त्यो मलाई ठुलो बाटो बनाउने भने इन्जिनियर नेपालको बाटो बनाउने समराउन्ड जो पापाको प्रेसर आएर था कि यू नो ये जो भी है टूपाक एंड स्लिम शेडी बिगी ये जो भी है इनको सुनना बंद करो क्योंकि उनकी भी एक मतलब चीज़ थी कि मतलब वो मेरे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना चाहते थे बट मेरे ड्रीम्स कुछ और से तो अपन ने कुछ अलग किया भाई, दैट्स द सीन। सही है नेपाल को बाटो बनाउने सिबिले कन्यो नेपाल को बाटो नेपालले कनायो अल्कोट ट्रातो वाइ बिले चलायो स्मार्टी गाडी गाडी को भित्र लाउडे सबारी सिबिले कन्यो नेपाल को बाटो नेपालले कनायो अल्कोट ट्रातो वाइ बिले चलायो स्मार्टी गाडी गाडी को भित्र लाउडे सबारी। और परेड में बेसिकली लेफ्ट राइट चलते हैं ना, तो दैट्स द सीन। आई थिंक सो वो लोग शायद टॉप जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब छत की टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं मे बी, और ये किसी दूसरे फ्लोर पे आके फिर उसी चीज़ों को फील कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है उससे एंड उसको भी यही चीज़ बनना है फ्यूचर में जाके, आई थिंक सो ऐसा हो रहा है, दैट्स द सीन।
नाइस ब्रो, नाइस। मतलब पूरा एक अपने को है ना दिखाया गया स्टोरी एंड एवरीथिंग कि उन्हों एक रास्ता कैसे बना, वो रास्ता कैसे चलने वाला है आगे, बहुत चीज़ें थी और बहुत सारा इंस्पायर्ड करने वाला ये गाना था। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन में अपन रीड कर लेते, थोड़ा तो मैंने पढ़ा था ऊपर ऊपर से। लॉरेंस नेपोप को बाटे द ट्रैक ओके चुप चुप लाग एल्बम में से है, विच इज रीअरेंज दिस इज ओके 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 ओके। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सॉन्ग बेसिकली डिस्क्राइब्स अबाउट नेपाली हिप हॉप और नेपॉप्स फ्रेजेस एंड इट्स इम्पैक्ट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन। ओके, तभी उसने जब वो बुक शायद वो स्कूल में गया था तब वो जनरेशन गैप का भी सम कुछ दिखाया गया था, तो मे बी वो कनेक्टेड था वहाँ से। ऑल द स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस डन बाय नेपाली लेजेंडरी रैपर्स विल काउंट फॉर श्योरली नाउ अवर रिकॉर्ड लेबल। ओके ठीक है, डन डन। और इसको गाया, लिरिक्स भी लॉरे के थे, तो ग्रेट स्टोरी भाई। ठीक है, बाकी लेट बी नो तुम क्या सोचते हो मेरे रिएक्शन के बारे में, इस गाने के बारे में। क्या तो ये गाना तुम्हें इंस्पायर करता है आज भी, और अगर करता है तो भाई सब्सक्राइब करो यार। क्या कनेक्ट किया है मैंने भाई, क्योंकि मैं भी इंस्पायर कर रहा हूँ ना तुम लोगों को यार, मैं भी ऐसा इंस्पायर होके तुमको इंस्पायर कर रहा हूँ। तो कर देना जो भी है लाइक वाइक दबा दो, और ऐसे लेजेंडरी गाने बताओ मुझे कमेंट्स में। ठीक है, बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में। स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट। ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, एम11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था वेक।